नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ अरवी के पत्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बारिश के मौसम में अरवी के पत्ते बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इस सब्जी को मैंने किस तरीके से बनाया है तो आइए देख लेते हैं। तो ये अरबी के पत्तों को हमने इस तरीके से धो लिया है और अब इसको हम पोंछ लेंगे। इस तरीके से आप किचन टॉवल लेकर के और इसे इस तरीके से अच्छे से पोंछ लेना है और इस तरीके से थाली में रखते जाएंगे। तो ये देखिए, सारे पत्तों को हमने पोंछ करके तैयार कर लिया है और जो भी थोड़ा बहुत इधर इस तरीके से पानी लगा हुआ है तो इसे रख देंगे पंखे के नीचे, तो ये अच्छी तरीके से पूरा सूख जाएगा। अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे, तो उसके लिए एक बर्तन ले लिए हैं और इसमें हम डाल देंगे बेसन, चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, धनिया पाउडर। तो इन सारी सामग्रियों को हम इस तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डाल देना है नींबू का रस। तो अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर ले सकते हैं या फिर आम का अचार ले लीजिए, लेकिन खट्टा कुछ ना कुछ होना चाहिए इसमें, क्योंकि जो अरबी के पत्ते होते हैं उससे ना गले में थोड़ी सी खराश सी होने लग जाती है, तो इसलिए खटाई डालने से वो नहीं होता है। और इस घोल को हम तैयार कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, बेसन का घोल तैयार हो गया है, तो इसको इतना ही मोटा रखना है, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, नहीं तो वो अच्छे से पत्तों में चिपकेगा नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। इसमें इस तरीके से अरबी के पत्ते को रख देना है, तो उल्टा ही रखिएगा, उल्टा में ये जो बेसन है वो अच्छे से चिपकता है और उस साइड अच्छे से नहीं चिपकता है, सीधे साइड। इसे हमें इस तरीके से अच्छे से बेसन को लपेट देना है और अब एक पत्ता और ले लेंगे। तो ये पत्ता इसको इस साइड रखना है इस तरीके से और इसमें भी इस तरीके से बेसन को लपेट देना है। और अब इस पत्ते को इस तरीके से रखना है और इसे भी इस तरीके से अच्छे से लपेटना है। और अब ये वाले पत्ते को भी इस तरीके से रखना है। तो हम 5 पत्तों का बना रहे हैं, हमारे पास 10 पत्ते हैं। अगर आपके पत्ते मोटे हैं तो 4 का बना लीजिए और अगर पतले हैं तो 5 का बना सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से लग गया है बेसन। अब हमारा जो ये है तो इसको इस तरीके से करके और इधर भी थोड़ा सा बेसन लगा दीजिए और इसको भी इस तरीके से मोड़ लेना है और इसे भी इस तरीके से मोड़ करके और इधर भी थोड़ा थोड़ा सा इधर इस तरीके से बेसन लगा देना है। तो ये देखिए, इधर भी इस तरीके से लगा देना है और अब इसे मोड़ना है। तो इस तरीके से रोल बनाइए और अच्छे से कर रहे हाथ से इसको रोल बनाना है। तो ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसमें वो लगा सकते हैं, धागा लपेट सकते हैं। ये इसे इस तरीके से अच्छे से चिपका देंगे ताकि खुले नहीं और अब इसे रख देंगे साइड में और इसी तरीके से हम दूसरा रोल भी तैयार कर लेंगे। जो दूसरा वाला रोल है इसको भी हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है और इसे इस तरीके से मोड़ देंगे। और इसका भी इस तरीके से अच्छे से रोल बना लेना है। तो ये देखिए, दोनों रोल हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। तो भगोनी में पानी डाल दिया है और गैस को ऑन कर दिया है तेज फ्लेम में और अब इसके ऊपर जालीदार बर्तन कुछ भी रख दीजिएगा इस तरीके से। हमारे पास ये कटोरा है तो हम यही रख रहे हैं और अब हम रख देंगे ये जो हमने अरबी के पत्ते को रोल किया है वो रख देंगे। तो जिस साइड से हमने ये दबाया था उसका पार्ट ये नीचे रखना है इस तरीके से, नहीं तो खुल जाएगा ये।
और इसमें इस तरीके से कुछ भी बर्तन ढक देंगे। तो इसे खोल करके चेक कर लेते हैं कि हमारे जो रोल थे वो पके हैं कि नहीं। तो ये अरबी के जो पत्तों के रोल हमने बनाए थे वो अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें निकाल करके रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक हमारा रोल ठंडा हो रहा है तब तक हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो गैस पे हमने कढ़ाई रखी है और 2 चम्मच तेल डाला है। तो हमने सरसों का तेल डाला है। गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। आप जो तेल खाते हैं वो वाला ले सकते हैं और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो उसमें डाल देना है जीरा, थोड़ा सा हिला लें। तो अब इसमें डाल देंगे लहसुन, अदरक और प्याज। तो ये देखिए प्याज को हमको इतना ही भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है। और अब डाल देंगे टमाटर और इसे भी इस तरीके से चला लें। आधा चम्मच नमक और इसे भी इस तरीके से अच्छे से मिला लें और इसमें इस तरीके से प्लेट ढक दें। तो अब इसे खोल करके चेक कर लेंगे। ये देखिए टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज तो पहले से ही थोड़ी सी पक गई थी। हमको इसको इतना ही पकाना है। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो अब इन्हें हम कट कर लेते हैं। तो एक इधर रख देंगे और एक एक करके इसे हम कट करेंगे। तो जो इधर का पार्ट है इसको हम इस तरीके से निकाल करके अलग कर देंगे और इसे बिल्कुल बराबर पीसों में काटना है। तो इसको ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं काटना है। तो ये देखिए इस तरीके से रोल को काट लेना है। तो ये देखिए सारे रोल हमारे कट गए हैं। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए गैस पे हमने पैन रखा है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। तो जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हमें रख देने हैं ये रोल एक एक करके इस तरीके से। तो जितने बन गए उसमें हमने रख दिया है और गैस को धीरे कर देंगे। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, इसी तरीके से थोड़े से ही तेल में अच्छे से इसे पकाना है। अब एक एक करके हम इन्हें इस तरीके से पलट देंगे। ये देखिए खुलने लग गया है। तो इसलिए ज़्यादा कड़ा हाथ से इसको रखिएगा ताकि खुले नहीं। मेरा थोड़ा सा ये खुलने लग गया है और इस तरीके से अच्छे से पलटना है। अब इन्हें थोड़ा सा और पकाएंगे और गैस को हमने मंदी रखी है, तेज़ गैस को नहीं किए हैं। तो ये जो पहले वाले हैं तो इन्हें हम इस तरीके से निकाल लेंगे। क्योंकि पक गए हैं ये, हमको इनको इतना ही पकाना है। तो ये देखिए इस तरीके से पके हैं, हमको इनको इतना ही पकाना है। और जो बचे हुए रोल के पीसेस हैं उन्हें हम और डाल देंगे कढ़ाई में। कढ़ाई रखेंगे गैस में और उसमें तेल डालेंगे। तो 2 चम्मच तेल डाला है और तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देना है ये मसाला। तो इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर सारी सामग्री को पीस लिया है इस तरीके से, मिला लें। तो इस तरीके से इसे अच्छे से हिला लेंगे और इसमें डाल देंगे सूखे मसाले। तो हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और इन सारी सामग्रियों को अच्छे से मिला लें। और इसमें जो मसाला रह गया है उसको इस तरीके से पानी डाल करके और इसी में डाल देंगे और मसाले को अच्छे से पका लें। तो ये देखिए चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि मसाला जो था अच्छी तरीके से पक गया है। और अब इसमें हमें डाल देना है पानी। तो अंदाज से डालेंगे। तो इसमें करीब हम 2 गिलास पानी ऐड किए हैं और गैस को तेज कर देंगे और इसे इस तरीके से थोड़ा सा मिला लें। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। तो 1/2 चम्मच हमने नमक पहले भी डाला था और 1/2 चम्मच नमक अभी लिया है। तो इसे इस तरीके से हिला लें। तो अब इसे थोड़ा सा ढक देंगे एक उबाल आने तक। तो इसे खोल करके चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ग्रेवी में अच्छी उबाल आ गई है और इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने पका करके रखे अरबी के टुकड़े। तो इसे आप इस तरीके से भी खा सकते हैं चटनी के साथ, ऐसे भी अच्छा लगता है।
और सब्जी बना लीजिए, ये भी अच्छी लगती है इस तरीके से। और इसे हम डाल देंगे, तो इसे इस तरीके से चला लें। गरम मसाला डालेंगे और इसे भी मिला लें और अब फिर से ढक देंगे थोड़ा सा और गैस को मध्यम कर देंगे। तो इसको पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, इसको खोल करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और सब्जी बन करके तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए। ये हमारी बहुत ही टेस्टी अरबी के पत्ते की सब्जी बन करके तैयार है। बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में एक छोटी सी घंटी है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।